स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आ जाइए सभी लोग, जिससे हम लोग आगे बात कर सके। आइए, आप अपने मित्रों मैक्सिमम मित्रों का ऑनलाइन कीजिए फटाफट। आज हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे और बेहतर तरीके से आज देखने का काम करेंगे। जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो किया जाएगा आज। एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भी शुरू कर देंगे। कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जिसको मैं आपको बता दूं, तो कल हम लोगों ने बात किया था फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन के संबंध में मैंने बताया था आपको कि दो मेल न्यूक्लियस होते हैं और दोनों मेल न्यूक्लियस जो है वो फर्टिलाइज करते हैं, दो बार फर्टिलाइज करते हैं, इसलिए डबल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक ट्रिपल फ्यूजन की भी परिघटना आप देखते हैं, जब एक मेल न्यूक्लियस जो है दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है तो ट्रिपल फ्यूजन उसको कहते हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो और स्क्रीन और आवाज आपको क्लियरली मिल रही है कि नहीं मिल रही, बता दें एक बार। तो एक बार कमेंट करें कि स्क्रीन और आवाज आपको क्लियरली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्लियर है स्क्रीन और आवाज? स्क्रीन और आवाज आपको क्लियर मिल रही है? कमेंट करेंगे। क्लियर है साक्षी श्रीवास्तव बता रहे, क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग शेयर करते रहिए, अपनी संख्या बढ़ाइए और मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। टारगेट आपको पता है कि 100 का टारगेट है आज। चलिए, सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात हम लोग करेंगे। फर्टिलाइजेशन की बात कल हम लोगों ने किया था। फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि दो मेल न्यूक्लियस जो है वह बनते हैं कहां पे, पॉलन ट्यूब में। बफरिंग कर रहा है, वीडियो क्वालिटी आप अपनी इंप्रूव कर लीजिए। हमारे पास बफरिंग नहीं है, नेटवर्क हमारा तेज है, बफर नहीं है, आप लोग लगे रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर करके अपने मित्रों को बुलाइए। 100 की संख्या आज आपको करनी है, आपको पता होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। संख्या बढ़ाइए, 100 तक जाना है आज। चलिए ठीक है, क्लियर है तो अच्छी बात है। एक बार सभी लोग शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और संख्या अपनी बढ़ाते रहें, ठीक है। तो सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात हम लोग करेंगे। सेक्सुअली जो है इनकॉम्पेटिबल का मतलब यह है कि जब पहले इसका लिटरली मीनिंग आप जानिए, इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या था। कॉम्पेटिबल मतलब होता है विश्वसनीय और incompatible मतलब हो गया अविश्वसनीय, ठीक है ना। तो जब सेक्सुअली फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो और वह कंप्लीट ना हो तो वह जो है फिनोमेना incompatibility की श्रेणी में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका आप लोग, ठीक है। तो होता क्या है कि मोस्टली ए वेराइटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर ब्रॉट ऑन टू स्टिग्मा बाय डिफरेंट पॉलिनेशन एजेंसीज इन नेचर, बट नॉट ऑल पॉलन ग्रेन्स दैट अडेयर ऑन टू स्टिग्मा सक्सेस टू ब्रिंग फर्टिलाइजेशन। इनके कहने का मतलब यह है कि एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ट्यूब डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा कैरी की जाती है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि एंथर से एंथर लोब से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा कैरी की जाती है, लेकिन सारे पॉलन ग्रेन्स जो है वह फर्टिलाइजेशन की परिघटना को संपन्न नहीं करते, या सारे पॉलन ग्रेन्स जो है वह फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, ठीक है ना। यह किसके कारण होता है, तो देखिए, इट इज सो हैपेंस बिकॉज द पिस्टिल पजेस डिवाइस टू अलाउ द पॉलन ग्रेन्स ऑफ ओनली द राइट मैटिंग टाइप टू फंक्शन नॉर्मली, ठीक है ना। यह किसके कारण होता है, तो यहां पे ये बताया गया है कि जो पिस्टिल होती है ना,
यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है पिस्टिल, वह जो है कुछ ऐसी डिवाइस अपने अंदर या ऐसा कुछ मैकेनिज्म जो है उसके अंदर होता है जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ जो है राइट पॉलन ग्रेन्स को जो है वह परमिट करती है, राइट पॉलन ग्रेन्स को वह परमिट करती है कि वह नॉर्मली फंक्शन करें। अगर पॉलन ग्रेन्स जो है उसके मैटिंग टाइप का नहीं है, राइट टाइप का नहीं है, तो वह नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, यानी कि वह फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी। कहने का मतलब यह है कि अगर राइट मैटिंग टाइप का पॉलन ग्रेन नहीं है तो होगा क्या कि वह जो पिस्टिल है ना उस पॉलन ग्रेन को स्वयं ही क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। पॉलन ग्रेन को क्या करेगी, स्वयं ही क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, क्लियर करोगे यस आर नो के माध्यम से, क्लियर करो, बात समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ भाई। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करो और फटाफट शेयर करते रहो। संख्या आपकी गिरनी नहीं चाहिए, संख्या आपकी गिर रही है, संख्या गिरेगी तो ठीक नहीं है, 100 तक पहुंचिए इसको लेकर के आज आप लोग जैसे भी हो सके। ग्रुप्स पे ऐड करते रहिए। सूचना ये है आप सभी के लिए कि जितने लोग इस पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वहां पे दिया गया है जहां पे आपकी इससे संबंधित क्विज जो है वो चलेंगी। तो ध्यान रखिएगा क्विज के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आवश्यक है। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ गया सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी का, कहने का मतलब यह है कि पिस्टिल जो है उसके पास ऐसा मैकेनिज्म होगा कि वह राइट मैटिंग टाइप के पॉलन को प्रमोट करेगी कि वह नॉर्मल फंक्शन करे। आगे देखें कि इफ ए पिस्टिल कैरिंग फंक्शनल फीमेल गैमेट्स, फंक्शनल फीमेल गैमेट इज नॉट फर्टिलाइज्ड फॉलोइंग पॉलेंस विथ वाइबल एंड फर्टाइल पॉलन ग्रेन्स कैपेबल टू फर्टाइज अनदर पिस्टिल। ठीक है ना, होता क्या है कि देखिए कि ये जो पिस्टिल है यह जो है इसके पास जो है एग है और वह फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है, फिर से एक बार समझिएगा कि इसके पास एग है और फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है, पॉलन ग्रेन इस पे आया भी, ठीक है ना, लेकिन अगर यह राइट मैटिंग टाइप का पॉलन ग्रेन नहीं है तो यह परमिट ही नहीं करेगी कि यह जर्मिनेट हो और इसके साथ क्या करे, फर्टिलाइज करे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी। और यह जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है इसी को कहते हैं क्या, इनकॉम्पेटिबिलिटी। और इसी फिनोमेना को जो है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है ना, सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी ध्यान रखेंगे आप। अब सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है दो तरह का होता है, एक इंटर स्पेसिफिक होता है और दूसरा इंट्रा स्पेसिफिक होता है। सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी कितने तरह का, तो दो तरह का, इंटर स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी और इंट्रा स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी। बात करें हम इंट्रा स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है, तो इंट्रा स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी अकर्स बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, वाइल द इंटर स्पेसिफिक वंस इज जनरली रिपोर्टेड बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। तो ध्यान रखिएगा कि इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है वह किसके बीच होता है, तो दो अलग डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच होता है। जैसे मान लीजिए कि यह प्लांट ए है, इसका पॉलन ग्रेन है, और यह प्लांट बी है, इसकी जो है स्टिग्मा पे ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होना है, लेकिन अगर ये दोनों जो है सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबल है तो, लेकिन दोनों का जो स्पीसीज है वो अलग अलग है, तो इस तरह के जो है सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी को कहेंगे इंटर स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्लियर। लेकिन अगर दोनों जो है सेम स्पीसीज के हैं, दोनों ए ही हैं, दोनों जो है सेम स्पीसीज के हैं और फिर भी इनकॉम्पेटिबिलिटी शो कर रहे हैं, तो इस तरह के फिनोमेना को हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है ना, इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो बताया यह दोनों जो प्रोसेस है, इंट्रा स्पेसिफिक सेम इंडिविजुअल के बीच स्पीसीज डिफरेंट हों और इंटर स्पेसिफिक सेम स्पीसीज के बीच, इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीसीज के बीच और इंट्रा स्पेसिफिक सेम स्पीसीज के बीच। ध्यान रखिएगा इंटर का मतलब डिफरेंट और इंटर का मतलब जो होगा दो के बीच में, तो दो जब होंगे तो वो अलग अलग, और इंट्रा स्पेसिफिक सेम स्पीसीज होगी, सेम स्पीसीज होगी तब इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है बात क्लियर है। संख्या को आप बढ़ाइए, लगिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, जो लोग चैनल पर नए विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक दो तरह की इनकॉम्पेटिबिलिटी हुई।
ठीक है ना। आगे देखें कि इंट्रा स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं। इंट्रा स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इंट्रा स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी को सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। आगे देखें कि इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी आर सेड टू बी हेट्रोजेनिक। इंटर स्पेसिफिक को क्या कहते हैं? हेट्रोजेनिक कहते हैं। इंटर स्पेसिफिक को हेट्रोजेनिक, दैट इज इट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, सर्किट कर रहा हूँ, इसको मैं आपको समझाता हूँ फिर से। बाय मोर देन वन जीन एट डिफरेंट लोकाई ऑफ द क्रोमोसोम, डिफरेंट लोकाई ऑफ द क्रोमोसोम, इट प्रिवेंट्स फ्री क्रॉस पॉलिनेशन, इट प्रिवेंट्स फ्री क्रॉस पॉलिनेशन एंड मास मेक्स बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू रेसेस एंड स्पीसीज, बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू रेसेस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो एक बार आप लोग लग करके, संख्या बहुत आपकी अच्छी आई है, 27 की संख्या दिख रही है, सभी लोग लग करके वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर ले ताकि संख्या आपकी निरंतर बढ़े। 27 नहीं, इसको 100 तक पहुंचाना है। आज आपको ध्यान रखना है 100 तक इसको लेके जाना है। लगिए संख्या बढ़ाइए और आइए यहाँ पे इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक की बात करें। तो इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि दो जब सेम स्पीसीज के बीच अगर जो है इनकॉम्पेटिबिलिटी है तो इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहेंगे। और इस तरह के इनकॉम्पेटिबिलिटी को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं सेक्स सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। किस नाम से जानते हैं? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के नाम से जानते हैं। जबकि इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी को हम हेट्रोजेनिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। हेट्रोजेनिक इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है और इसके डिफरेंट लोकस पे जो है जीन्स उपलब्ध है, इसके डिफरेंट लोकस पे, लोकस का मतलब हो गया प्लेस, इसके डिफरेंट प्लेस पे जीन्स उपलब्ध है जो एक काम को, इसके सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो एक काम को, इसके सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, तो जब सेक्सुअल बिहेवियर जो डिफरेंट जीन के द्वारा, एक ही क्रोमोसोम के डिफरेंट जीन के द्वारा जब सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल किया जाएगा तो होगा क्या कि उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे। तो इसके ऊपर क्रॉस पॉलिनेशन की प्रिवेंट करने की घटना पाई जाती है और इस घटना के कारण होता क्या है कि न्यू रेसेस और न्यू स्पीसीज का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो यह जो है आपका इंटर स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी हुआ। ठीक है, आगे हम देखें तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इफेक्टिव नेचुरल डिवाइस फॉर इनफोर्सिंग आउटब्रीडिंग। इससे क्या होगा? आउटब्रीडिंग होती है किससे? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी से। एंड एज वी नो ए लार्ज नंबर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर आउटब्रीड। आउटब्रीड का मतलब दूसरे से ब्रीड करता है ये। ठीक है ना, दैट इज दे आर सक्सेसफुली फर्टिलाइज ओनली बाय द पॉलेंस ऑफ अदर प्लांट्स, डू नॉट बाय देयर ओन। तो आउटब्रीड का मतलब क्या हुआ गया कि जब फर्टिलाइजेशन जो है किससे हो? दूसरे प्लांट के पॉलन से हो तो उसको हम कहते हैं आउटब्रीडिंग। ध्यान रखिएगा, जब फर्टिलाइजेशन दूसरे प्लांट के पॉलन से हो तो उसको कहते हैं हम आउटब्रीडिंग। और यह जो है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है किसको बढ़ाता है? तो आउटब्रीडिंग को बढ़ाता है, यह आप ध्यान रखेंगे। क्या नहीं मिला प्रशांत जी? किसको वीडियो नहीं मिला? छोड़िए, पर्सनल कमेंट आप लोग मत कीजिए, पर्सनल कमेंट ठीक नहीं है, इसको मैं प्रिवेंट करता हूं। अगर कुछ आपको अटपटा लगे भी तो आप लोग देखिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़ना आवश्यक है। किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट करना जो है यह ठीक नहीं है। किसी का आपके ऊपर अगर पर्सनल कमेंट हो तब भी ठीक नहीं है और मैं इसको मतलब पसंद नहीं करता। मैं खुद भी अगर देखता हूँ पर्सनली, अगर मुझे कोई कमेंट कर रहा है तो मैं उसको छोड़ करके आगे बढ़ता हूँ। कोई बात नहीं, मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं है। पर्सनल कमेंट बेटा आप लोग मत कीजिए, पढ़िए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बताइए। प्रशांत जी आप मेरी बात सुन रहे हो तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ना बेटा, कहीं जो है किसी की टांग नहीं खींचनी है। ठीक है, सभी लोगों के लिए यही निर्देश है। ठीक, टारगेट पे आप लोग ध्यान दीजिए कि टारगेट आज 100 तक लेके जाना है, जो आप नहीं पहुंच पा रहे अभी 27 तक आप हाईएस्ट पहुंचे हैं, 27 के आगे बढ़िए। सभी लोग शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक बार सभी लोग जम के शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, संख्या आपकी बढ़े। संख्या नहीं बढ़ेगी तो फिर मजा नहीं आएगा। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
और जितने लोग चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, चैनल को नया विजिट कर रहे हैं, वह जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए विजिटर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इन दोनों चैनल्स को, हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारे टेलीग्राम को, दोनों को जो है आप प्रमोट कर सकते हैं। आप उसके मालिक हैं, आपका प्रमोशन की जिम्मेदारी है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि पहले जो है मैं पूरा बेसिक आपको पढ़ा दूंगा, एक तरफ से सारे बेसिक से संबंधित सारे वीडियोज इस पर पढ़ेंगे जो मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बॉटनी से संबंधित। तो सारे बेसिक वीडियोज पहले मैं डाल दूंगा, दो से एक से दो महीने में आप मेरे साथ जो है इस वर्ष भर बने रहिए। एक वर्ष में जो है मैं प्रयास करूंगा कि आपको पूरी की पूरी बॉटनी जो है का बेसिक और एक्स्ट्रा जो फंडाज है उसको जो है क्लियर किया जाए, वन बाय वन, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके जो है करना है। समय आपके पास है, लगे रहिए, बाकी हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो एक बार लगिए, शेयर कीजिए, संख्या बढ़ाइए अपनी, आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं, लाइक करने में भी कंजूसी कर रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं वो भी लाइक नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फटाफट, ताकि आपकी संख्या बढ़े। अभी 27 मैक्सिमम संख्या मैंने देखी है, आपको इसको 100 तक ले जाना है, ट्रिपल डिजिट में इसको ले जाना है, यह आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो चलिए फिर से हम बढ़ते हैं आगे कि आउटब्रीडिंग को कौन प्रमोट करता है, तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या इसका जो दूसरा नाम है इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है किसको प्रमोट करता है, आउटब्रीडिंग को, या ध्यान रखिएगा। अब जो है एक इसके संबंध में, इनकॉम्पेटिबिलिटी के संबंध में एक कॉन्सेप्ट आया है, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, ये नई चीज है, इसको आप देखें। तो कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए आप, कि द मोस्ट वाइडली एडॉप्टेड हाइपोथेसिस अबाउट जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज अपोजिशन एस एलील। ध्यान रखिएगा, अपोजिशन एस एलील जो है किससे संबंधित है, तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अपोजिशन एस एलील का कॉन्सेप्ट जो है किससे संबंधित है, तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी से संबंधित है। और आगे देखिए, हाइपोथेसिस फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ईस्ट एंड मैगल्सडॉर्फ। ईस्ट एंड मैगल्सडॉर्फ के द्वारा जो है यह हाइपोथेसिस कब दी गई थी, 1925 में। कौन सी हाइपोथेसिस, अपोजिशन एल एस एलील, अपोजिशन एस एलील। और दिस हाइपोथेसिस डील्स दैट द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन, कार्डियस जीन। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन जो है किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, एस जीन के द्वारा। यह किसने बताया, ईस्ट एंड मैगल्सडॉर्फ ने, कब बताया, 1925 में, ठीक है ना, 1925 में। तो ये कॉन्सेप्ट था सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में कोई दिक्कत हो तो आपको बताएं। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपसे जिक्र किए हैं। लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए, रुकिए नहीं, संख्या आप लोग बढ़ाइए। 26 लोग हैं, अगर 26 लोग पांच पांच लोगों को भी शेयर करते हैं तो अभी संख्या बढ़ जाएगी, वीडियो पे खट से बढ़ेगी, लगिए। देखिए, इंडोस्पर्म से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी क्लियर है, क्लियर है या नहीं, एक बार बताएं, एक बार और। तो प्रशांत जी एक काम आप कीजिएगा, वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड कीजिएगा, नहीं तो बहुत टाइम हम लोग को लगेगा, ठीक है। और आज इस टॉपिक को जो है मुख्य मुख्य बिंदुओं को जो है बताते हुए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपका बेसिक क्लियर हो जाए इस संबंध में जो है इसका। देखिए, ऑनलाइन का एक फायदा ये है कि जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं। हनुमान जी गुड मॉर्निंग, जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं, यह आपके ऊपर है, ठीक है। अगर कोई उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे इस चैनल के वीडियो के लिंक में जो है आप क्वेश्चन दे दीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों को क्लियर है, अभिषेक राजभर को भी क्लियर है, एक बार लगिए, शेयर कीजिए, संख्या बढ़ाइए, 100 तक आज लाइव लेके जानी है आपको। चलिए इंडोस्पर्म देखें, तो इंडोस्पर्म क्या है, देखें इंडोस्पर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप जो है एक मेल न्यूक्लियस जो है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर के एक 3N की संरचना बनाती है। एक मेल न्यूक्लियस जो है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एक 3S की संरचना बनाती है, इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और यही जो है मदर सेल है किसका, इंडोस्पर्म का, किसका, इंडोस्पर्म का। तो इंडोस्पर्म का मदर सेल कौन सा है, तो यह ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो सैक के अंदर है, यह क्या है, इंडोस्पर्म का मदर सेल है, यह ध्यान रखिएगा। यह तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगी, इसकी गारंटी यह है हमारी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि द इंडोस्पर्म विच डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन विद इन द एम्ब्रियो सैक
इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिटिव टिश्यूज फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो पहली चीज तो यह है कि इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ट्रिपल फ्यूजन के परिणामतः ट्रिपल फ्यूजन के परिणाम स्वरूप इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे, तो ट्रिपल फ्यूजन के परिणाम के स्वरूप। और इंडोस्पर्म का काम क्या है, तो न्यूट्रिशन प्रदान करना इसका काम है। क्या काम भैया, न्यूट्रिशन प्रदान करना। आगे देखें, एंजियोस्पर्मिक इंडोस्पर्म्स इज कैपेबल टू जिम्नोस्पर्मस फीमेल गैमेटोफाइट, इज कंपेरेबल टू जिम्नोस्पर्मस फीमेल गैमेटोफाइट। तो एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पोर है वह किसके साथ कंपेयर किया जा सकता है, तो जिम्नोस्पर्मस फीमेल गैमेटोफाइट के साथ कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्मस फीमेल गैमेटोफाइट के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जा सकता है। किसमें, फंक्शन में, सॉरी इन फंक्शन, बट इज डिफरेंट आफ्टर, सॉरी फ्रॉम द लेटर इन ओरिजिन, लेकिन ओरिजिन में क्या होता है, यह डिफरेंट होता है। एंजियोस्पर्मिक इंडोस्पर्म जो है ओरिजिनेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म है वह फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओरिजिनेट होता है, किससे, ट्रिप्लॉयड कंडीशन का होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म है वह बिफोर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है और हैप्लॉयड कंडीशन का होता है। तो आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न यहाँ पे बनते हैं कि एंजियोस्पर्मिक इंडोस्पर्म किस तरह के होते हैं, ट्रिप्लॉयड होते हैं 3N, और यह फर्टिलाइजेशन के बाद विकसित होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वह हैप्लॉयड होता है, N कंडीशन का होता है, और यह फर्टिलाइजेशन के पहले ही विकसित होता है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, द ओनली एंजियोस्पर्म विच डू नॉट फॉर्म इंडोस्पर्म्स बिलोंग्स टू आर्किडेसी, पोडोस्टेमेसी एंड टारपेसी। ठीक है ना, तो आर्किडेसी में, पोडोस्पर्मेसी में और टारपेसी में इंडोस्पर्म का विकास नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आर्किडेसी, पोडोस्टेमेसी और टारपेसी में ध्यान रखिएगा, इंडोस्पर्म का विकास नहीं होता। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडोस्पर्म का विकास किसके नहीं होता, तो आर्किडेसी के अंदर नहीं होता, आर्किडेसी के अंदर कॉटिलीडन में नहीं होता, ये रेटिकुलेट वेनेशन इसके लिप में पाया जाता है, कॉटिलीडन नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। कुछ में पांच भी कॉटिलीडन पाए जाते हैं, उनको, उन प्लांट्स को भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसके अंदर इंडोस्पर्म्स नहीं विकसित होते। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ डेवलपमेंट द इंडोस्पर्म कैन बी क्लासिफाइड एज न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हिलोबियल। ठीक है ना, तो तीन तरह के इंडोस्पर्म्स जो है वह बनते हैं, और यह डिपेंड करता है मोड ऑफ डेवलपमेंट पे। ठीक है ना, डेवलपमेंट के आधार पे जो है तीन तरह के इंडोस्पर्म बनते हैं। कौन कौन से तीन इंडोस्पर्म, तो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और हिलोबियल इंडोस्पर्म। ठीक है ना, न्यूक्लियर, सेलुलर, हिलोबियल। ये पूछता है कि इसमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंडोस्पर्म, ये पूछ लेता है ऐसा प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडोस्पर्म, और ये तीन नाम दे देगा, न्यूक्लियर, सेलुलर और हिलोबियल, और एक और कोई नाम दे देगा, और उसी में आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है ना, तो इंडोस्पर्म कुल कितने तरह के होते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तीन होते हैं, कौन कौन से, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म होता है और हिलोबियल इंडोस्पर्म होता है भैया। ठीक है, चलिए तीनों को हम अलग अलग देखें। तो इन सच इंडोस्पर्म इन विच न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट एकम्पेंड बाय वॉल फॉर्मेशन ड्यूरिंग मेजर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, दिस इंडोस्पर्म मोस्टली बिकम सेलुलर एट द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए यह इंडोस्पर्म किस तरह का है, तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन तो होता है, इसके एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस तो बनते हैं, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन जो है वाल फॉर्मेशन के द्वारा फॉलोड नहीं किया जाता, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है, वाल फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस तरह के एंडोस्पर्म को हम कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक, सेलुलर में देखिए कि इट इज एन एंडोस्पर्म इन विच वेरी फास्ट एंड सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन आर फॉलोड बाय रेगुलरली वाल फॉर्मेशन। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो है जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो वाल का फॉर्मेशन भी हो जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ नहीं, वाल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह के इंडोस्पर्म को हम कहेंगे न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ नहीं और वाल फॉर्मेशन हो गया, तो इस तरह के इंडोस्पर्म को हम कहेंगे न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। और हिलोबियल जो है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का सिचुएशन है, इसमें पहला जो डिवीजन होगा वह जो है होगा क्या कि वहां पे वाल फॉर्मेशन होगा, लेकिन बाद के डिवीजन में वाल फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि ये दोनों के बीच की सिचुएशन है, यानी कि न्यूक्लियर और सेलुलर के बीच की सिचुएशन को हम कहते हैं हिलोबियल। और देखिएगा, इन दिस एंड इंडोस्पर्म द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस मूव्स
टू द चैलेंजर इन ऑफ इंडियोसैक वेयर डिवाइड रिजल्टिंग इनटू लार्ज माइक्रोपाइलर चैम्बर एंड स्मॉल चैलेंजर चैम्बर। ठीक है, तो ये होता क्या है कि जो है चैलेंजर इंड पे जो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो चैलेंजर इंड पे मूव कर जाता है और डिवाइड होकर के दो चैम्बर बनाता है, एक चैलेंजर चैम्बर और एक माइक्रोपाइलर चैम्बर, और बाद में इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है। तो यह दोनों के बीच के जो है सिचुएशन को शो करता है। ठीक है ना, हिलोवियल इंडोस्पर्म किसके अंदर पाया जाता है, तो रिस्ट्रिक्टेड टू मोनोकॉट्स। किसके अंदर पाया जाता है हिलोवियल इंडोस्पर्म, तो मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है। यह तीनों इंडोस्पर्म आपको क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुए, न्यूक्लियर हो गया, सेलुलर हो गया और हिलोवियल हो गया, एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और अपने मित्रों को जोड़िए फटाफट। संख्या आपकी, मैंने टारगेट जो आपको दिया था, आप उस टारगेट से बहुत पीछे हैं, एक चौथाई पे हैं। ठीक है, तो आगे क्या किया जाए यह आप समझ सकते हैं। प्रयास मेरा विफल नहीं जाने दीजिए, आप लोग भी खूब प्रयास कीजिए, लगिए थोड़ा सा लगेंगे, काम हो जाएगा। चलिए, अब इंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन फेमिनिन लोरेंथेसी इज यूनिक। लोरेंथेसी के अंदर जो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो यूनिक होता है। कैसा होता है? इट इज बिकॉज देयर बीइंग नो ट्रू ओव्यूल, यहाँ पे ट्रू ओव्यूल नहीं होता। ऑल द एम्ब्रियो सैक इन एन ओवरी लाइज क्लोज टू ईच अदर एंड डेवलपिंग इंडोस्पर्म्स ऑफ ऑल सच एम्ब्रियो सैक फॉर्मिंग कंपोजिट इंडोस्पर्म। तो ये ध्यान रखिएगा कि कंपोजिट इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, तो फैमिली लोरेंथेसी के अंदर जो है कंपोजिट इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फैमिली लोरेंथेसी के अंदर जो है कंपोजिट इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। बात करें हम इम्ब्रियो की, तो द फर्टिलाइज्ड एग एज ए रिजल्ट ऑफ सिनगैमी इज रेफर टू एज जाइगोट। ठीक है ना, फर्टिलाइज्ड एग जो है सिनगैमी के बाद उसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट, और यही जाइगोट जो है इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखिए, वन मैच्योर इम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट एक्सिल विथ वन आर टू कॉटलीडन। ठीक है ना, वन कॉटलीडन किसके अंदर होगा, मोनोकॉट के अंदर होगा, और दो कॉटलीडन किसके अंदर होगा, डाइकॉट के अंदर। वन कॉटलीडन किसके अंदर होगा, मोनोकॉट के अंदर होगा, और दो कॉटलीडन किसके अंदर होगा, डाइकॉट के अंदर होगा। तो देखिएगा कि द मैच्योर इम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट एक्सिस विथ वन आर टू कॉटलीडन, यानी कि जो मैच्योर इम्ब्रियो सैक होता है वह शॉर्ट एक्सिस के साथ कंसिस्ट होता है, उसके पास एक कॉटलीडन होगा या दो कॉटलीडन होगा। अगर एक कॉटलीडन है तो मोनोकॉटलीडन है, और दो कॉटलीडन है तो डाइकॉट है। ठीक है ना, द शॉर्ट एक्सिस जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, शॉर्ट एक्सिस को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑफ मैच्योर इम्ब्रियो पजेस द प्लूमूल एट द एपिकल एंड विच डिफरेंशिएट इंटू सूट एंड पजेस रेडिकल एट विच डिफरेंशिएट इंटू रूट। तो इम्ब्रियो क्या, इम्ब्रियो जो है दो स्ट्रक्चर इसके पास होंगे, एक प्लूमूल होगा और दूसरा रेडिकल होगा। प्लूमूल जो है सूट का फॉर्मेशन करेगा और रेडिकल जो है रूट का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखिएगा, प्लूमूल जो है सूट का फॉर्मेशन करेगा और रेडिकल जो है रूट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, द स्पोरोफाइट एंड पैरासाइट एंजियोस्पर्म जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस्ड इम्ब्रियो। तो स्पोरोफाइट के पास और पैरासिटिक स्पोरोफिटिक एंजियोस्पर्म और पैरासिटिक एंजियोस्पर्म के पास जो है रिड्यूस्ड इम्ब्रियो पाए जाते हैं। ठीक है ना, रिड्यूस्ड इम्ब्रियो पाए जाते हैं। ठीक, तो ये था आपका इम्ब्रियो का जनरल कॉन्सेप्ट। इम्ब्रियो के जनरल कॉन्सेप्ट से बहुत सारे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते, प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इससे कि कंपोजिट इंडोस्पर्म लोरेंथेसी के अंदर इंडोस्पर्म कितने तरह के, तो न्यूक्लियर, सेलुलर, हिलोवियल। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म में कैसे इम्ब्रियोस्पर्म इंडोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म में कैसे इंडोस्पर्म होते हैं, इनकॉम्पेटिबिलिटी को भी मैंने आपको बताया, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आज के लास्ट टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले कि कुछ जो है मिसलेनियस फैक्ट्स हैं। ये मिसलेनियस फैक्ट्स जो है परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, इन मिसलेनियस फैक्ट्स पे अगर हम बात कर लें तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह मिसलेनियस फैक्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंट होंगे, यह आप ध्यान रखिएगा। पहले एक बात बताइए कि अभी तक जितना मैंने आपको बताया वह क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताएं भाई, अभी तक जो मैंने आपको बताया कि वह क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं, यस आर नो। मिसलेनियस फैक्ट वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, यह आप ध्यान रखिएगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फटाफट, जितने लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समझ में आई बात, क्लियर है, शेयर कर दीजिए भैया, शेयर कर दीजिए, एक बार चैनल को लाइक कर लीजिए। और मैंने आपको बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन करें और अपने मित्रों को मैक्सिमम उस टेलीग्राम चैनल से जोड़ें जो पढ़ने के इच्छुक हों, ठीक है। वैसे टारगेट पे आज भी आप लोग नहीं पहुंच पाए, जो टारगेट 3 डिजिट का रखा गया था उस टारगेट तक आप लोग नहीं पहुंचे, इसका मतलब कि आपकी इच्छा शक्ति जो है मजबूत नहीं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लोगों को जोड़िए जो लोग लाइव आने में सक्षम हों, लाइव क्लास का एंजॉय ले सकें, ठीक है। लगी आप लोग जोड़िए, इस क्लास को भी शेयर करके यहाँ पे भी जो है अपनी संख्या बढ़ाइए। तो देखिए मिसलेनियस में देखिए पहली बात हम करेंगे पॉली इम्ब्रियानी की। पॉली इम्ब्रियानी का मतलब, पॉली का मतलब हो गया मेनी और इम्ब्रियो का मतलब हो गया, इम्ब्रियानी का मतलब हो गया इम्ब्रियो, ठीक है ना। पॉली का मतलब हो गया मेनी और इम्ब्रियो का, इम्ब्रियानी का मतलब हो गया इम्ब्रियो, यानी कि ऐसा सिचुएशन जिसमें बहुत सारे इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, उसी सिचुएशन को कहते हैं पॉली इम्ब्रियानी। और यह जो है सिट्रस के अंदर, नींबू के अंदर जो है सिट्रस के अंदर, नींबू के अंदर जो है यह सिचुएशन आप बहुत बार देखेंगे। सिट्रस हो गया आपका, ये जो कुकुरबिटेसी में भी जो है पाया जाता है, खीरा के अंदर पॉली इम्ब्रियानी आप देखेंगे, यानी कि बहुत सारे एक से ज्यादा इम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन हो तो उसी फिनोमेना को हम कह देते हैं पॉली इम्ब्रियानी, ठीक है ना। इज ए कंडीशन वेयर इन देयर अकर मोर देन वन इम्ब्रियोज, ठीक है ना, इम्ब्रियो आर इम्ब्रियोज इन डेवलपिंग ओव्यूल। तो एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा इम्ब्रियो होगा तो उस फिनोमेना को हम कहेंगे पॉली इम्ब्रियानी। और इसकी खोज किसने की थी, पी माहेश्वरी ने, और इसी पॉली इम्ब्रियानी की खोज के आधार पे जो है इनको जो है क्या कहा गया, तो इम्ब्रियोलॉजी का फादर किसको कहा गया, तो ध्यान रखिएगा पंचानंद माहेश्वरी को, पी माहेश्वरी को इम्ब्रियोलॉजी का फादर कहा गया था। किसने खोजा था, क्या खोजा था इन्होंने, तो पॉली इम्ब्रियानी की खोज की थी, ठीक है ना। पॉली इम्ब्रियानी में देखिएगा, पॉली इम्ब्रियानी इज कंसिडर टू बी एन एबनॉर्मल फीचर, यह क्या है, एबनॉर्मल फीचर एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू एंजियोस्पर्मिक टेक्सा सच एज सिट्रस मैंगीफेरा। तो मैंगीफेरा और सिट्रस के अंदर जो है आपको पॉली इम्ब्रियानी देखने को मिलेगा, और यह जो है एंजियोस्पर्म के केस में जो है इसको एबनॉर्मल फीचर के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, ल्यूबेनहाक 1917 इज क्रेडिटेड टू रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ पॉली इम्ब्रियानी इन ऑरेंज सीड, ठीक है ना। तो ल्यूबेनहाक ने जो है सबसे पहले पॉली इम्ब्रियानी को रिपोर्ट किसने किया था, तो ल्यूबेनहाक ने, और किसमें रिपोर्ट किया था, तो ऑरेंज सीड के अंदर देखा था, ठीक। बात करें एपोमिक्सिस की, तो एपोमिक्सिस कैन बी डिफाइंड ए कंडीशन वेयर इन यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाई टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बाई ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिनगैमी। तो एपोमिक्सिस क्या है कि अगर हम नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर किसी ऐसे मेथड से रिप्रोड्यूस कर रिप्लेस कर दें जिसमें मियासिस और सिनगैमी नहीं है, तो उस मेथड को हम कहेंगे एपोमिक्सिस। ध्यान रखिएगा एपोमिक्सिस, मिक्सिस का मतलब होता है मिक्स करना, क्या मिक्स कर रहे हैं, हम नॉर्मल सेक्सुअल मेथड को हटा रहे हैं और उसके जगह पर क्या ला रहे हैं, तो मियासिस और सिनगैमी को हटा करके कोई अन्य मेथड ला दें, तो इस तरह के फिनोमेना को हम कह देंगे क्या, एपोमिक्सिस, ठीक है ना। व्रिंकलर जो है 1908 में वाज द मैन हु क्वाइंड एंड इंट्रोड्यूस द टर्म एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस टर्म किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा विंकलर ने जो है एपोमिक्सिस टर्म दिया था, किसने दिया था, विंकलर ने जो है एपोमिक्सिस टर्म दिया था। एक बार आप सभी लोग लग करके वीडियो को शेयर करके अपने मित्रों को जोड़ लीजिए, बहुत अच्छी संख्या आप लोग 27 पे पहुंचे हैं, एक बार लग करके जोड़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करके अपनी संख्या बढ़ाइए। तो मैंने बात की एपोमिक्सिस की, एपोमिक्सिस में क्या होगा, तो सिनगैमी और मियासिस के प्रोसेस को रिप्लेस कर देंगे किसी एसेक्सुअल मेथड के द्वारा, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस टर्म जो है सबसे पहले किसने दिया था, तो विंकलर ने। अगर हम बात करें एपोस्पोरी की, तो देखिएगा इसको रोजनबर्ग ने जो है सबसे पहले रिपोर्ट किया था, किसने, रोजनबर्ग ने एपोस्पोरी को रिपोर्ट किया था, किसके अंदर, तो हिरिकम के अंदर जो है, हिरिकम के अंदर रिपोर्ट किया था। और क्या होता है एपोस्पोरी, तो एपोस्पोरी रिप्रेजेंट्स द कंडीशन इन विच ए सोमैटिक सेल इन द न्यूक्लियस ऑफ ओव्यूल डायरेक्टली डेवलप इनटू एन इम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अगर कोई सोमैटिक सेल जो है वह डायरेक्टली इम्ब्रियो सैक को डेवलप कर ले, अगर कोई सोमैटिक सेल डायरेक्टली अगर इम्ब्रियो सैक को डेवलप कर रहा बिना फर्टिलाइजेशन, तो उस प्रक्रिया को हम कह देंगे एपोस्पोरी। सोमैटिक सेल के द्वारा जो है इम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया, तो रोजनबर्ग ने रिपोर्ट किया था। ट्रू सीड क्या होता है,
तो देखिए अभी जो है, कल एक प्रश्न मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि ट्रू फ्रूट क्या होता है, तो ट्रू फ्रूट के बारे में तो बताएंगे ही, पहले फिर आप ट्रू सीड जानिए कि ए ट्रू सीड रिप्रेजेंट्स ए फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल पोसेसिंग एन एम्ब्रियोनिक प्लांट। ठीक है ना, ट्रू सीड क्या होगा कि जो फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल को अपने अंदर बियर करेगा और वह क्या होगा, एम्ब्रियोनिक प्लांट को जो है वो डेवलप करेगा। स्टोर्ड मटेरियल समटाइम एब्सेंट एंड ए प्रोटेक्टिव कोट आर सीड कोट, और क्या होना चाहिए, एक प्रोटेक्टिव कोट या सीड कोट होना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ सीड इज यूनिक टू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सीड जिम्नोस्पर्म आर नेकेड, यानी कि सीड की उपस्थिति जो है वह यूनिक है, किसके साथ, किसके साथ है, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर पाया जाता है और एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर किस तरह का सीड पाया जाता है, तो नेकेड सीड पाया जाता है। ठीक है, तो ट्री सीड क्या है, ट्री सीड जो है वह ऐसा सीड जो फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल को अपने अंदर बियर करे और बाद में वह ओव्यूल जो है क्या डेवलप कर दे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करे। इसके पास जो है प्रोटेक्टिव कोट यानी कि सीड कोट का होना आवश्यक है। ठीक है ना, सीड जो है दो ग्रुप्स के अंदर, दो ग्रुप्स के प्लांट्स के अंदर आप देखेंगे, जिम्नोस्पर्म के अंदर और एंजियोस्पर्म के अंदर। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है नेकेड सीड का फॉर्मेशन होता है। तो एक नॉर्मल जो है आप लाइफ साइकिल देखें ताकि बात आपके समझ में आए। देखिए ये फ्लावर है, फ्लावर के पास जो है एंथर लोब है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, इससे क्या निकलेंगे, तो ये स्पोरोजेनस इनिशियल है, ये स्पोरोजेनस टिश्यूज है, यह जो है स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, आर्किस्पोरियम, और आपको पता है कि ये जो पालन, ये देखिए क्या है, तो पेराइटल लेयर है और यह आर्किस्पोरियम लेयर है। आर्किस्पोरियम लेयर जो है डेवलप होगा और इस तरह से जो है, किस तरह से देखिए, ये जो है पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, दो मेल न्यूक्लियस बनेंगे, एक फीमेल न्यूक्लियस बनेगा, या आपका जो है इसका जो है एक के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एक जो है डिवाइड हो जाएगा और एक सस्पेंसर सेल और एक इम्ब्रियो सेल बनाएगा। सस्पेंसर सेल जो है हास्टोरिया का काम करेगा और इम्ब्रियो सेल जो है इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और कॉटिलेडंस के आधार पर मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट को हम कन्फाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे, यह सीड निकालेगा और इसी सीड से जो है नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यह एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा जो है इम्ब्रियोलॉजी का जो पोर्शन, जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसका मैंने चर्चा किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि यह कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है, क्योंकि प्रश्नों का स्तर जो है बहुत बढ़ रहा है। तो मैंने जो है यह कंटेंट सिर्फ आपके लिए ऐसा इसलिए रखा है कि पहले आप कंटेंट से फैमिलियर होइए, फिर नए नए चीज़ों को इसमें इंट्रोड्यूस करके आपकी जो है कंप्लीट तैयारी जो है वो करा दूंगा। नए नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके आपको कम्प्लीटली जो है तैयार कर दूंगा, सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। इससे ये हो जाएगा कि बेसिक प्रश्न जितने भी आएंगे आपके एक प्रश्न भी छूटेंगे नहीं। ठीक है, बहुत दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी आप अपने टारगेट पर नहीं पहुँच पाए, ये ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने प्रयास किया, यह अच्छी बात है। कल जो है फिर से आप लोग अच्छे से जो है आप लोग वो कीजिएगा, अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज ही आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि कल 9 बजे से ही लाइव क्लास में उपस्थित रहें। ठीक है, 9 बजे से ही लाइव क्लास में उपस्थित रहें, और आपकी संख्या जो है कल, यह प्रयास कीजिए कि आपकी संख्या जो है 10 डिजिट में हो। ठीक है ना, 10 डिजिट में हो। एक प्रश्न आपने पूछा था कि ट्रू फ्रूट क्या होता है, तो देखिए ट्रू फ्रूट्स वे फ्रूट्स होते हैं जो ओव्यूल से डेवलप होते हैं। किसके अंदर, ओवरी के अंदर। ऐसे फ्रूट्स जो ओव्यूल से डेवलप हों और किसके अंदर डेवलप हों, ओवरी के अंदर डेवलप हों, उसको हम कहेंगे ट्रू फ्रूट। ठीक है ना, और इस फ्रूट के एडिबल पार्ट को हम कहेंगे पेरियंथ। ठीक है ना, क्या कहेंगे, पेरियंथ। अब ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल जो है मैंगो है, कीवी है, ब्लूबेरी है, प्लूम्स है, और जो फाल्स फ्रूट है उसमें स्ट्रॉबेरी है, फिग है, मलबरी वगैरह है। स्ट्रॉबेरी, फिग और मलबरी वगैरह जो है यह फाल्स फ्रूट्स हैं। ठीक है, अब आंवला कैसा होगा कि अगर इसका डेवलपमेंट जो है इम्ब्रियो से हो रहा है, नहीं, आंवला भी फाल्स फ्रूट होगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट भी जो है इम्ब्रियो से नहीं होगा। तो अगर इम्ब्रियो से डेवलप होगा तब तो ट्रू फ्रूट है, अगर इम्ब्रियो से नहीं डेवलप हो रहा है तो ट्रू फ्रूट नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी पे हम लोग रोकेंगे।
कल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या कल संख्या जो है लाइव क्लास में संख्या 100 तक पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी। 3 डिजिट में आप संख्या कल कर लेंगे, यस आर नो, बताएं भाई कल क्या आप अपने इस क्लास में 9 से 11 बजे वाली क्लास में संख्या जो है आप पहुंचा लेंगे 3 डिजिट में कि नहीं, यस आर नो जवाब दीजिए। बताइए बोलिए भाई, चलिए मैं जवाब दे दूंगा इसका भी, आप परेशान ना हो। आज बस हम लोग इसी पर रोकेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। चलिए ठीक है, शेयर कीजिए, कल संख्या जो है 3 डिजिट में रखिए, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी 9 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।